साथी आप सभी के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम आ गए हैं प्रयागराज, तो हमने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग जो है शेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो हमने सोचा चलो इस बार जो है बाहर चल के ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। तो इस समय मैं आई हूँ अपने छत पे और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू कैसा दिख रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। आज जो है ना, मैंने बाल को धुला हुआ है, धुलने के बाद जो हमने ऐसे ही लपेट लिया था और अभी सूखा भी नहीं है, ये देखो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए बाल धुलना बहुत ज़रूरी था। गर्मी की वजह से मेरा चुन 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 कर रहा था, इसलिए हमने धुल लिया सुबह सुबह ही। देखो बाल भी मेरे ख़राब हो गए हैं, इसको ना कटवाना है, की साइड जो है ख़राब हो गए हैं। और आज मैंने ये अपनी पिंक वाली साड़ी पहनी है, ये देखो, अच्छे लग रहे हैं। ओ दोस्तों, ये देख सकते हो घर बनना स्टार्ट हो गया है, पहले ये खुला था अब ये पैक हो चुका है। और यहाँ पे लगने वाली है विंडो, तो विंडो से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और दोस्तों, आप लोगों का ध्यान मेरे गले पे जरूर जाएगा, और जो मेरा गला है ना, गर्मी की वजह से मेरा गला जो है यहाँ पे कट गया है, इसलिए हमने चैन को ना निकाल के रख दिया है। अब जब ये ठीक हो जाएगा ना, तभी हम अपने गले में पहनेंगे। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एकदम लाल हो गया है, इतना कटा है यहाँ पीछे की तरफ, एकदम लाल हो गया दोस्तों, इसलिए हमने उसे निकाल के रख दिया है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं, सुबह का टाइम है और धूप निकला हुआ है काफ़ी अच्छा। अभी तो मौसम ठंडा है, लेकिन जब 12-1 बजेंगे ना, तो इतनी कड़क धूप, ज़्यादा गर्मी और इतना पसीना टप 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 शरीर से बहने लगेगा। चलिए दिखाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, ये देखो। तो गाइस ये देखो, सभी का जो है दिनचर्या शुरू हो गया है, बच्चे लोग भी स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं और आदमी अपने काम पे जा रहे हैं, और औरत लोग आपस में बैठ के बातें कर रही हैं। हम आप लोगों को ना सब कुछ बताने वाले हैं, देखो। और यहाँ ये छोटी सी बालकनी है, चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं अपने घर के अंदर। और यहाँ पे इतने सारे ईंटें रखे हुए हैं, काम चालू है, आदमी लोग अभी आ जाएंगे काम करने के लिए। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं आप लोगों को लेकर। ये है मेरा घर, आप सभी को पता है इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, साफ करते करते ना सबकी कमर टूट गई। सॉरी, मैसेज आ रहा है। तो अभी सो रहे हैं। चलिए मेरी प्यारी सी फैमिली, कलौंजी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यही हमारा मसाला, यही हरी धनिया, टमाटर, लहसुन, जीरा और खटाई का मसाला, नमक, सब्जी मसाला, थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, हमारे दोनों बच्चे भी उठ के बैठ गए हैं और हमसे पूछ रहे हैं, मम्मी क्या बना रही हो, मम्मी क्या बना रही हो। मैंने कहा, भैया करेले की कलौंजी बना रहे हैं। तो बोले, अच्छा ठीक है, मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है आप खा लेना, मैं आपके लिए बना रही हूँ।
तो गाइज मुझे कुछ काम था किचन में, इसलिए हम उठ के चले गए किचन में। और यहाँ पे देखो जानवी हमारी बैठी हुई है, देख रही हैं, और चाची जी जो है पूजा करने जा रही हैं। तो चलिए फटाफट हम बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं किचन में। ठीक मैं है आ गई गाइज, हूँ अब अपने किचन। और अब चल रहे हैं उसको कढ़ाई में डालेंगे पकने के लिए। ये देखो हमने गैस पे जो है कढ़ाई भी रख दी है, और इसमें डाला हुआ है राई का तेल। हमने आप लोग के साथ कई बार जो है इसकी रेसिपी शेयर की है, तो इस बार जो है हम खास करके अपने ससुर जी के लिए बना रहे हैं, यानी चाचा जी के लिए। तो ये देखो चाची भी हाय आई है। अभी हम चाची को बोले हम बाहर जाओ, गर्मी बहुत है। मैंने चाची को ना अभी छुट्टी दी हुई है किचन से। मैंने कहा कि कलौजी कलौजी को तेल में ही तो डालना है, उसको डाल लेंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाना है। तब तक चाची जी चाय पी लें। देखो मेरा तेल जो है गर्म हो गया है, चलो फटाफट डालते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने सारे कलौजी को डाल दिया है। इसके बाद हम एक थाली से ढक देंगे, और जो बचा हुआ मसाला है जब ये थोड़ा गल जाएगा उसके ऊपर ये मसाला डाल देंगे, ताकि हमारा जो कलौजी है जले ना। ये देखो हमारी कलौजी जो है फटाफट बनके तैयार हो गई है दोस्तों। ये देखो गाइज, आज है खुशखबरी आप लोगों के लिए और हम सबके लिए। तो चलिए हम बताते हैं हमारे घर क्या आया है। नहीं, सबसे पहले आप बताओ इस बॉक्स में है क्या, अंदाज़ा लगाओ भाई, लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ, फटाफट बताओ। यहाँ पे देखो अभी जो है बैठा हुआ है घोड़े के साथ उसके ऊपर चढ़ के। तो नहीं अंदाज पा रहे हो ना, तो चलिए इंतज़ार की घड़ी करते हैं ख़त्म, और हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर इस बॉक्स में है क्या। तो गाइज आप लोग बोल रहे थे ना भाभी आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एसी लगवा लो। तो भैया आज हमारे पति देव लगवा रहे हैं एसी। जानवी बोल रही है फेवरेट है हमारी एसी। तो दोस्तों हमने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि हमारे घर जो है कभी एसी लगेगी, लेकिन हाँ अपना अपना नसीब होता है ये तो कह सकते हैं। बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली आज हमारे घर लग रही है एसी। तो हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, और ढेर सारे लोगों का कमेंट भी आएगा कि भाई अरे यार एसी तो लग रही है, इसमें क्या खुशी की बात है। यार मेरे लिए तो खुशी ही है ना, हमारे घर छोटी बड़ी चीज़ें चाहे जो आए हम उसमें खुश हो जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ शेयर करना। चलिए गाइज हम आप लोग को दिखाते हैं कि ये जो छोटू भैया आए हैं ना किस तरीके से सेट कर रहे हैं एसी को। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग भी। चलो मैं आपको बता देती हूँ काम करते करते हमें कितने टाइम हो गए हैं। हो गए हैं 9:30, और मैंने झाड़ू पोछा किया, नहा लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और धूप भी निकल आया है। कल रात को हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा कि हम क्या बताएं। सारी रात जो है लाइट नहीं आई, और अंदर बाहर बच्चों के साथ मुझे करना पड़ा, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। और रात को बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, बारिश थोड़ा तेज़ हो जाती ना तो बहुत अच्छा होता, लेकिन एकदम हल्की सी बारिश हुई। बारिश का समझो कोई मतलब ही नहीं। तो हम आप लोगों से रात को बात करने वाले थे, लेकिन लाइट भी कट गई और बच्चे भी शोरगुल कर रहे थे। मैं सोचा चलो सुबह आप लोगों से मिल लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। और हम जा रहे हैं अब नहाने, और तो चलिए दोस्तों बाय।